हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए सीटेट, जेटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, जी ट्रिपल एसबी, एस टेट, नीट, जितने भी आपके टेट से एग्जाम होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए 10 नंबर। अगर आज का टोटल क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 30 क्वेश्चन से अगर 30 में से आपका यहाँ पे 28 मार्क्स आता है तो समझिए कि आपके फुल और फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी का यहाँ पे 25 मार्क्स आता है तो भी बहुत अच्छा मार्क्स रहेगा। तो चलिए, सबसे कठिन क्वेश्चन रहेंगे और ये बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं लागू होता है। तो देखिए, निःशक्त बच्चे की बिल्कुल बात की गई थी, 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चे बिल्कुल सही था आपका, लेकिन 14 से 18 साल के वाई वाले बच्चे को नहीं है लागू होता है। जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था, ये आपका 2009 में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वो कौन से रोग से पीड़ित है। बताइएगा, यदि कोई भी आपके क्लास में स्टूडेंट है, ऐसे वो टीचर अब है, और वो बच्चा क्या करता है, सी को डी पढ़े और डी को सी लिखे या पढ़े तो क्या करेंगे। मलेरिया हुआ होगा उसको, डिस्लेक्सिया है, ऑप्शन सी दिया फाइलेरिया है, ऑप्शन डी दिया गया पटाई। बिल्कुल आपको उसको मलेरिया भी नहीं है, यहाँ पे फाइलेरिया भी नहीं हुआ, टाइफाइड तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, डिस्लेक्सिया। ठीक है, डिस्लेक्सिया बच्चे को पढ़ने में क्या है, कठिनाई हो रही है या लिखने में, ठीक है, या पढ़ने पर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया। बताइएगा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया था। तो आंसर होगा आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। बिल्कुल राइट, यही हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता या मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका, धीमी गति से सीखना है, दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, यही आपका क्या है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के है ये प्रदान किया जा सकता है। बताइएगा, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, समावेशित शिक्षा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपको एग्जामिनर ना कंफ्यूज करता है, यहाँ पे समावेशित शिक्षा और मुख्य धारा में मेन स्ट्रीमिंग, तो देखिए मेन स्ट्रीमिंग और इंटीग्रेशन से अच्छा आप किस में लगाएंगे, इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन पे आप आंख बंद के लगा दीजिएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। बताइए, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं, सब में जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर और आएगा आने आने वाले एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा, दूसरों के साथ झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित। बताइएगा, डिस्लेक्सिया मानसिक विकार से बिल्कुल नहीं, यहाँ से गणित से तो आपका डिस्कैलकुलिया होता है, व्यवहार संबंधी विकास तो होगा नहीं आपका, तो राइट आंसर क्या होगा, डिसऑर्डर एक तरह से किससे, पठन विकार से, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ, अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे यहाँ पे, वो जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे उस चीज को, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों एवं रीतियों के प्रति सजगता या विशेषता है। बताइए, तो आंसर हो जाएगा आपका, सृजनशील बालकों की, सृजनशील बालकों की, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विशेष शिक्षा संबंधित है, बताइए विशेष शिक्षा संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कब योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, कब योग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम 2022 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेंगे, तो बताइएगा स्वयं पाठ को तैयार करने में, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है यही आपका हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में, बी इज द राइट आंसर। रोजगार के संदर्भ में बिल्कुल नहीं, अभ्यास पुस्तिका में भी नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चा आपसे अंग्रेजी सीखता है, उसके पेरेंट्स अंग्रेजी नहीं आते, तो क्या करेंगे आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, बिल्कुल नहीं, कंपेल करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे उनको मातृभाषा से, क्या करें आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, बताइएगा, भावना और मनोभाव, बिल्कुल नहीं आपका यहाँ पे, संस्कृति और प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है, संस्कृति और प्रशिक्षण बालक को क्या करता है, रोकता है कक्षा में भाग लेने से, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमजोर वर्ग या बीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य क्या है, तो आंसर होगा ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी, बिल्कुल सही है, जिनकी बुद्धि लब्धि असर 80 से 90 के पीछे, बिल्कुल सही, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमय, बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सिया, एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया देखिए इसका राइट आंसर, एलेक्सिया आपकी पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता होती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है, तो पिछड़ा बालक आएगा आपका राइट आंसर, प्रतिभाशाली बालक, बिल्कुल करेक्ट है, बुद्धि बालक, बिल्कुल सही, ये सब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी बालक कौन होते हैं, बताइएगा, डिलिंकेंट चाइल्ड, अपराधी बालक कौन होते हैं, तो आंसर अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो चोरी वोरी करते हैं, जो मैंने गलत काम में करते हैं, वो अपराधी बालक कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम असक्षम बच्चों को सामान्यता होती है, शारीरिक रूप से, ठीक है, जैसे हम हैंडीकैप कह सकते हैं, ठीक है, हैंडीकैप, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डिसकैल्कुलिया, तो मैथ से होता है, मैथ से प्रॉब्लम होता है, डिसलेक्सिया जो होती है आपको किससे होता है, रीडिंग से होती है, डिसग्राफिया जो होता है आपका लिखने से प्रॉब्लम होता है, डिस्थीमिया आपका हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता, तो देखिए मानव सामाजिक कारकों से बिल्कुल नहीं हो, अनुवांशिक रचना बिल्कुल सही, जिनके माता पिता अच्छे रहते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते, बोला जाता है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, चोर का बच्चा चोर, ठीक है, बिल्कुल राइट होता है, वातावरण अभिप्रेरणा बिल्कुल, जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहता है, तो देखिए 50 आपका जेनेटिक से लिया जाता है और 50 का रूल किस तरह आपका इन्वायरमेंट का रहता है, तो दोनों राइट हो जाएगा, बी और सी, ठीक है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, सृजनशीलता की बात की गई है, आंसर होगा आपका यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार बेस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है, तो देखिए आपका मौलिकता बिल्कुल है, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है, आपका अनुशासन नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है, तो देखिए सृजनात्मकता से पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या, अब सारी चिंतन की बात की गई है यहाँ पे, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई, एक से ज्यादा किसी क्वेश्चन का एक से ज्यादा आंसर देना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया भी मैं आपको बता के आई हूँ कि ये पढ़ने से क्या होती है, संबंधित होती है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है, तो प्रतिभाशाली जो आपके शिक्षार्थी होते हैं आपके यहाँ पे अपसारी चिंतक हो जाएगा, चिंतन, अपसारी चिंतन होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए नहीं था, बताइए। तो भाषा के लिए नहीं थे, आपको बहुभाषा की बात की गई है, मल्टीलिंगुइज्म की बात की गई है, डी इज द राइट आंसर। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, किसके 30 में से 30 मार्क्स आए, कम स्कोर बताइएगा आपके यहाँ पे, कमेंट कीजिएगा कैसा आज का सेशन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय।